तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये मेरे पास एक लैपटॉप आया है G4 का। ये फिलहाल लैपटॉप बंद था तो आज हम लोगों ने इसको रिपेयर किया, ऑन किया है। और इस लैपटॉप में फिलहाल ये कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग जो चेंज करने वाले हैं इसमें, कीबोर्ड चेंज करने वाले हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन करके। ये मैंने लैपटॉप को ऑन किया, ये देखें, ये हमारा लैपटॉप काम कर रहा है, ऑन हो गया। और ये लैपटॉप उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री के द्वारा बांटे गए थे। बहुत अच्छी पहल थी कि बहुत सारे लोगों को लैपटॉप मिला, इसकी वजह से मार्केट में लैपटॉप का काम भी काफ़ी आता है। दूसरी बात क्या है, हर एक आदमी के पास ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप हो गए। ये देखिए, लैपटॉप हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है, ऑन हो गया। लेकिन इस लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम है कि इसका कीबोर्ड ख़राब है, इसकी बटने नहीं काम करते। ये जो कीबोर्ड आता है, ये G4 का कीबोर्ड, इसको G4 नाम से कीबोर्ड बोलते हैं। ये कीबोर्ड मार्केट में 400 450 का मिल जाता है। इसका डालने का 800 900 हज़ार रुपये ले लिया जाता है, जबकि बहुत आसान तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इसको चेंज करेंगे। कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको चेक कैसे करेंगे, मैं आपको उसका पहले आपको तरीका बताता हूँ। सभी लोगों को अच्छे से देखिए, कैसे आप इसको चेक कर पाएंगे, कीबोर्ड को कैसे चेक करेंगे, कीबोर्ड आपका सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हमको पहले नोट पैड खोलना पड़ेगा, फोल्डर खोलना पड़ेगा, कोई भी फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर का नाम Q W E, ये बटन नहीं काम कर रही हैं। इसमें तो कुछ बटने काम करती हैं, कुछ बटने नहीं काम करती, ये सारी बटने टूटी हुई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद इसको रेडी कर देंगे। हमने इसको बंद किया, इसकी बैटरी डाउन है, स्विच ऑफ कर दें या तो शट डाउन कर दें। फोर शट डाउन। अब देखिए, कीबोर्ड को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको तो बैटरी डिस्कनेक्ट करना है। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये पीछे के बैक साइड ओपन करना है। इसको आप ओपन करेंगे, ये जितने भी सारी दोस्तों मैं आपको वीडियो देता हूँ, सर सामने से आइए दिखाइए सभी को, ये जितनी भी सारी मैं दोस्तों आपको वीडियो देता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ताकि इन वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिले। इससे पहले की वीडियो में मैंने ये डाला था कि आप विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, विंडो का इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। ये रैम है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। कीबोर्ड खोलने के लिए रैम निकालने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ के जो नीचे के स्क्रू हैं इनको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखो, कीबोर्ड जैसा है साइन भी बना होता है, अगर एक कीबोर्ड जैसा निशान बना हो तो निशान से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कीबोर्ड का स्क्रू लगेगा। थोड़ा सा पीछे करिए सर। अब देखिए, मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ट्वीज़र या चिमटी के माध्यम से इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए ऐसे ओपनर आते हैं, ये देखिए आपका लगा, इसको बाहर कर दिया। एक कपड़ा दे दीजिए। तो आप इसको क्या करेंगे, जैसे डस्ट होता है इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। थोड़ा सा इस लाइन में सर्विस का काम होता है, तो कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा तो उसको आप अच्छे से, आपने खोला है तो उसको क्लीन कर दीजिए, क्योंकि क्लीन नहीं करेंगे तो ये डस्ट बनी रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नया कीबोर्ड लेंगे। नया कीबोर्ड लेने के बाद इसका जो ये पत्ता है, ये बेल्ट है, ये कीबोर्ड का पत्ता है, इस पत्ते को हम लोग इसमें लगा देंगे। ऐसे आपने लॉक खोला, इस तरीके से इसको इंसर्ट किया पूरा बराबर और अंदर की तरफ पुश कर दिया। जैसे आप अंदर की तरफ पुश कर देंगे, वो ये आपका लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको बराबर सेट करना है ऐसे लॉक में।
हमने कीबोर्ड को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया। अच्छे से प्रेस कर देना है ताकि इसके सारे लॉक अच्छी तरीके से बैठ जाए। ये आपका कीबोर्ड लग गया। कीबोर्ड लगने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड का जो स्क्रू है जिससे कीबोर्ड हमारा कसा हुआ था उसको आप अच्छे से कस देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, बोर्ड में लग जाएगा, निकलेगा नहीं, ढीला नहीं होगा। रैम है उसको अच्छे से साफ कर लेंगे, रैम को हम लोग अपने सिस्टम में लगा देंगे। उसके बाद अच्छे से इसके सारे स्क्रू टाइट कर लेंगे। लग गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑन करेंगे, चार्जर लगाएंगे। बैटरी इसकी डाउन है, चार्जर इंडिकेटर चलेगा, सिस्टम ऑन करेंगे। हमारा सिस्टम ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके एक एक करके जितने सारे बटन हैं सारी बटनों को चेक कर लेंगे। सारी बटन खराब, टूटा फूटा था, कीबोर्ड डैमेज होता है तो खराब है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इसके अंदर ऐसा होता है कि बहुत समय जब हो जाता है तो इसके अंदर धूल मिट्टी मॉइस्चर, ये जो डस्ट निकली थी ना, यही अंदर जा करके पैड में बैठ जाती है। और ये कार्बन होता है, कार्बन होने की वजह से क्या होता है, उसमें जंग खा जाता है, गल जाते हैं, तो गलने की वजह से खराब हो जाता है। खराब हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कहीं देखेंगे नोट पैड कहीं खुला, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुला, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ओके, ये खुल गया। अब यहाँ पर एक एक करके सारे क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई डब्ल्यू आई पी ए एस डी एफ जी एच जे के एल एड एच, ये देखिए सारी बटने काम कर रही हैं। आप क्या करेंगे, जितनी सारी बटने हैं सारी बटनों को आप क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, इंटर बैक डिलीट, सारी बटने काम कर रहे हैं। Alt F4, डोंट सेव, क्लोज, काम कर रहा है, मतलब हमारा कीबोर्ड ओके हो गया। तो दोस्तों अब इसको कीबोर्ड को चेंज करने में हमारा कितना पैसा लगा, मात्र 400 रुपये, 450 रुपये लगा और हमने कीबोर्ड को चेंज कर दिया। बस इतना आसान होता है कि कोई भी G4 लैपटॉप है, G4 लैपटॉप में आसानी के साथ में आप कीबोर्ड बदल सकते हैं, आपको कहीं बाहर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों एक मैंने छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास जो भी स्टूडेंट लोग आते हैं, जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, उनको 1x1 करके आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की, पहली बात तो सबसे बड़ी मार्केट है सागर मार्केट, यहीं से पास में सोमनाथ मार्केट पड़ती है जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी मार्केट है, मात्र 1 किलोमीटर के अंतराल में। तो सभी लोग कानपुर के अंदर, कानपुर से 100, 200, 300 किलोमीटर जितने दूर के लोग होते हैं, जिनको अपना कोई भी लैपटॉप का काम कराना है, रिपेयरिंग कराना है या कोई भी ठीक कराना है, तो वो लोग रिपेयरिंग कराने के लिए यहाँ पर मार्केट में आते हैं। मार्केट में आने के बाद हम लोग, हमारे पास भी आते हैं। अच्छा, हम लोग क्या होता है कि रिपेयरिंग करने का कोई खास पैसा नहीं लेते, सिर्फ वो लोग हमसे रिपेयर करा ले जाएं, इससे हमारे बच्चों को सीखने
अच्छा लगता है, सारी जानकारी मिलती है, सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आपको सीखने को मिलता है, तो बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल आप आएँ, ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने से पहले आप हमको वीडियो कॉल करें, क्लास देखें, क्लास का सेटअप देखें, कैसे कैसे आपको सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ों के बारे में समझाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, फिर हम लोग नए टॉपिक में मिलेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू।